तो जो मैंने कुवैत पे प्लम्बर वाली वीडियो बनाई थी उस पर इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक्स। लगभग 10,000 के आसपास लोगों ने वीडियो को देखा और काफ़ी सारे प्यार मिले आप लोगों के। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कमेंट भी किए कि भाई आपने जो भी चीज़ें बताई प्लम्बर से रिलेटेड सारी चीज़ें ठीक है, बट आप ये बताओ एज अ प्लम्बर हेल्पर अगर हमको काम करना हो कुवैत में तो हम कैसे कर सकते हैं? ये बेसिकली क्या होता है मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। अगर आपने बेसिकली प्लम्बर से कोई डिप्लोमा कोर्स या फिर सर्टिफिकेट कोर्स या फिर काम भी नहीं सीखा हुआ है तो आप क्या आप क्या कर सकते हो बेसिकली इनके साथ में रह करके, जो प्लम्बर्स होते हैं जो पहले से काम कर रहे हैं प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ में रह करके एज एन हेल्पर वर्क कर सकते हो। इसका दो बेनिफिट होता है, पहला आपका टाइम कोर्सेज में नहीं वेस्ट होता है, आप कुछ दिनों में काम सीख जाते हो तो आप एज अ प्लम्बर भी वर्क कर सकते हो। इस पर सैलरी भी थोड़ी स्टार्टिंग में हेल्पर पर कम मिलती है बट उसमें भी काफ़ी अच्छी मिलती है, हेल्पर के तौर पर भी करोगे तो अच्छी मिलेगी, बाद में 6 मंथ 1 ईयर बाद आपकी सैलरी भी अच्छी मिलने लगती है। ठीक है, तो पहला तो आपको टाइम भी बचता है और आपको काम करने के भी हेल्पर के काम सीखने के भी पैसे मिलते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th और 12th पास आप होने चाहिए। ठीक है, कुछ और भी डॉक्यूमेंट है रिक्वायरमेंट है जो आपको वीजा के लिए इसको करने के लिए जरूरत पड़ेगा, उसके बाद मैं इस पर सैलरी बता दूंगा कितने तक आपको सैलरी मिल जाती है। देखो नंबर 1 पे आता है बेसिकली वीजा के लिए आपको जरूरत पड़ेगा मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और 12th पास, ठीक है ये होना चाहिए। सेकंड मेडिकल सर्टिफिकेट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना के बाद जानते हो गवर्नमेंट ने मेडिकल काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है, किसी भी कंट्री के लिए आपको मेडिकल अपना अच्छा दिखाना होता है, तो शरीर में कोई कमी हो कोई बीमारी हो तो पहले से ही ठीक कर लो। ठीक है, तो डॉक्टर से दिखा करके। थर्ड है बेसिकली आपका मेडिकल सर्टिफिकेट में बताया, अब पुलिस सर्टिफिकेट होता है जिसको क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड कॉपी कहते हैं। अब डॉक्यूमेंट बात कर लेते हैं, बेसिकली वैलिड पासपोर्ट, आपकी क्वालिफिकेशन कॉपी जो इतनी पढ़ाई की आपने, या फिर आपका थर्ड है फोटोग्राफ्स हो गया, कलर, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई बेसिकली आधार कार्ड हो गया पैन कार्ड हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ते हैं। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में मैंने बताया हेल्पर के तौर पर थोड़ी कम मिलती है बट कुछ दिनों बाद काम कर लोगे तो आपको अधिक मिलेगी, बट ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 130 कुवैती दिनार से लेकर के लगभग आपको 240 कुवैती दिनार तक मिल जाता है। बेस्ट लोग को डाउट कमेंट करो। बाय बाय।